नमस्कार। आज की बात फिर एक महत्वपूर्ण विषय के साथ। इस बात में किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी कि सड़कों का जाल बिछाना अच्छा है। पहला तो सड़क से आम जन के आवागमन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार तक पहुंच आसान हो जाती है। दूसरा, सड़कें बिना किसी डाउट के मानवीय विकास के वाहक बनती हैं। इस बात से किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि पहाड़ का अपना एक अलग नेचर होता है। पहाड़ गंगा के मैदानी इलाकों जैसा ना तो शांत है और ना ही अरावली की श्रृंखलाओं सा बेजान कि जहां तहां गड्ढे खोदकर सड़क बनाई जा सके। पहाड़ का सच में एक अलग नेचर है। सड़क या अन्य निर्माण कार्य के प्रति पहाड़ वाकई बेहद संवेदनशील होते हैं। मुझ पर यकीन ना हो तो एक बार घूमकर देखने में कोई बुराई नहीं। नेशनल हाईवे पर कई पहाड़ गुस्से में गरजते नजर आ जाएंगे। हम अतीत से सबक नहीं ले रहे हैं। केदारनाथ आपदा, रोज खिसकते पहाड़ उदाहरण स्वरूप देखे जा सकते हैं। अभी हालिया केंद्रीय चारधाम राजमार्ग परियोजना के तहत बनने वाले जो राजमार्ग पर हैं, पुश्ता दर पुश्ता खिसककर पहाड़ सड़कों पर उतर आए हैं। चारधाम लेन पर सड़कते पहाड़ यात्रियों के लिए तो खतरा है ही, साथ ही मूल निवासियों की जान माल को हरदम जोखिम और असुरक्षा में रखने जैसा है। चारधाम हमारी आस्था के केंद्र हैं, हमारी संस्कृति, हमारे जीवन में रचे बसे हैं, हमारी पहचान का अभिन्न अंग हैं। यहां तक सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी देवों ने सरकारों को दी है। सरकारों को प्रकृति के प्रति और अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है। पहाड़ से खिलवाड़ सिवाय व्यापक नुकसान के और कुछ नहीं देगा। सकुशल चारधाम यात्रा के लिए, साथ ही पहाड़ और पहाड़ी जनजीवन की बेहतरी के लिए और अधिक बेहतर उपाय खोजने की आवश्यकता है। सीमित मात्रा में यात्रियों की आवाजाही, नए हवाई मार्गों का चयन, रेगुलर हवाई सेवाएं, सड़क मार्गों से व्यवस्थित और सीमित परिचालन विकल्प के तौर पर रखा जा सकता है। आपके सुझाव भी नीचे कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं। पहाड़ की बेहतरी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं लक्ष्मी अग्रवाल और आप देख रहे हैं YouTube चैनल प्रकाशन। प्रकाशन आपको अपने प्रदेश के साथ साथ देश और विदेश की खबरों के बारे में जागरूक करने के लिए पूरी जिम्मेदारी से प्रयासरत है। कृपया प्रकाशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेहतर और उपयोगी पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान करें। धन्यवाद।